हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ईवी सागा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्या 200 किलोमीटर का चैलेंज पूरा करने वाले सभी भाइयों को ओला फ्री में मिलने वाला है, या इनमें से बस कुछ ही भाइयों को ओला फ्री में दिया जाने वाला है, इसके बारे में। और साथ ही में मू ओएस 2.0 का जो बीटा वर्जन है वो अपडेट करने के बाद जो स्कूटर में पहले से प्रॉब्लम आ रहे थे, 1.0.30 अपडेट करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रहे थे, क्या वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, इसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार, वीडियो तो काफी लोग देख रहे हैं, साथ में थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 200 किलोमीटर के चैलेंज के बारे में। मिस्टर भाविश अग्रवाल सर ने कुछ दिनों पहले जो 200 किलोमीटर का चैलेंज अनाउंस किया था, उसमें काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से काफी सारे लोगों ने चैलेंज कंप्लीट भी किया था। लेकिन क्या चैलेंज कंप्लीट करने वाले सभी भाइयों को ओला फ्री में मिलने वाला है, एक काफी बड़ा सवाल है। तो नहीं, 200 किलोमीटर का चैलेंज पूरा करने वाले सभी भाइयों को फ्री में ओला नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे ओला ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर है जिन्होंने ये चैलेंज पूरा किया है, लेकिन अभी तक उनको फ्री ओला के रिगार्डिंग कोई मेल या कोई कॉल नहीं आया है। साथ ही में हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 300 किलोमीटर के ऊपर अपनी ओला को रन किया है सिंगल चार्ज में, यानी कि 300 किलोमीटर चैलेंज भी उन्होंने पूरा किया है, लेकिन उन्हें भी अभी तक फ्री ओला का कोई मेल या मैसेज नहीं आया है। साथ ही में कुछ ऐसे मेंबर भी है हमारे ग्रुप में कि जिन्होंने ये 200 किलोमीटर का चैलेंज पूरा किया है और उनको फ्री ओला मिलने के रिगार्डिंग मेल आया है और वो काफी खुश भी है। तो उनके लिए हमारी तरफ से दिल से कांग्रेचुलेशंस। तो इन सब से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 200 किलोमीटर का चैलेंज पूरा करने वाले सभी भाइयों को ये फ्री ओला वाला मेल या कॉल नहीं आया है, तो इसका मतलब सभी को फ्री ओला नहीं मिलने वाला है। तो ये ओला की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि किन लोगों को चैलेंज पूरा करने वाले किन भाई लोगों को फ्री में ओला दिया जा रहा है, और जिन लोगों को दिया जा रहा है सिर्फ उन्हीं को क्यों दिया जा रहा है, मतलब ओला वाले किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया है। मे बी विनर उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट किए होंगे, या फिर जिन लोगों ने चैलेंज पहले पूरा किया होगा उनको पहले प्रेफरेंस दिया होगा, ऐसा एक चांस हो सकता है। हमारे कुछ ओला ग्रुप मेंबर और कुछ सब्सक्राइबर भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये चैलेंज तो पूरा किया है और इसके रिगार्डिंग उन्होंने मिस्टर भाविश अग्रवाल सर और ओला को ट्विटर पे ट्वीट भी किया है, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उन्होंने इस चैलेंज की रिगार्डिंग हमें भी अपने पिक्चर्स ट्वीट किए हैं, हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से उनके चैलेंज के डिटेल्स भावेश सर और ओला की तरफ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई है और हमारे कुछ ग्रुप मेंबर भाई है जिनको फ्री ओला मिलने का मैसेज आया है, जैसे कि ये सुमित भाई है, इन्होंने 200 किलोमीटर का चैलेंज पूरा किया है और इन्हें फ्री ओला मिलने का मेल आया है, इनके लिए हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। साथ में ये नवीन भाई का मैसेज भी आया है, ये नवीन भाई हैदराबाद से है, इन्हें भी फ्री ओला मिलने वाला है। तेजस पटेल भाई है सूरत से, इन्होंने भी चैलेंज कंप्लीट किया है और इन्हें भी मेल आया है। और साथ में पवन भाई है विजयवाड़ा से, इन्होंने भी चैलेंज पूरा कर किया है तो इन्हें भी फ्री ओला का मेल आया है। तो इन सब भाइयों को हमारी तरफ से दिल से कांग्रेचुलेशंस। तो आइए अब बात करते हैं मू ओएस 2.0 के बीटा वर्जन के बारे में, जिसकी ओला सर्कल में अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अभी तक कुछ गिने चुने ओला ओनर्स को मू ओएस 2.0 का बीटा वर्जन का अपडेट मिल चुका है और वो उसे यूज भी कर रहे हैं। तो क्या यह बीटा वर्जन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जो पहले से प्रॉब्लम आ रहे थे ओला में वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, या फिर ये अपडेट करने के बाद और नए कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी करंटली मैक्सिमम ओला यूजर्स 1.0.30 इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर शुरुआत में तो काफी अच्छे से चल रहा था। हमने भी अपनी गाड़ी में ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया था और हमारी गाड़ी भी काफी स्मूथली चल रही थी, लेकिन इसमें से कई सारे कस्टमर्स को थोड़े से इश्यू आने लग गए थे, जैसे कि बैटरी परसेंटेज ड्रॉप, स्कूटर नॉट चार्जिंग, यानी कि स्कूटर को जब आप रात में चार्जिंग लगाते थे या ओवरनाइट चार्जिंग पर भी रखते थे तभी भी स्कूटर फुल्ली चार्ज नहीं होता था, साथ में सडन रेंज ड्रॉप, ये सारे इशू आ रहे थे। इसमें एक मेजर इशू यही था कि बैटरी नॉट चार्जिंग, काफी सारे लोगों को बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही थी, ये एक मेजर इशू इन सब में आ रहा था। और चार्जर का फैन भी वर्क नहीं कर रहा था, ऐसे कुछ मेजर और माइनर से इशू ये सॉफ्टवेयर में आ रहे थे। और इसके लिए आपको अपना स्कूटर बार बार रिबूट करना पड़ रहा था,
इसके रिगार्डिंग हमने कस्टमर केयर से भी बात की, सर्विस सेंटर और कस्टमर केयर से भी बात की, तो उन्होंने भी यही बताया था कि इसको फिलहाल के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बस अपना स्कूटर रिबूट करते रहना है और यूज करते रहना है, क्योंकि जल्दी ही MOVOS 2.0 का अपडेट आने वाला है जिसमें ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा सर्विस सेंटर की तरफ से हमें भी कहा गया था। तो जी हाँ, ये MOVOS 2.0 का बीटा वर्जन अपडेट करने के बाद ये सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए हैं और साथ ही में आपको स्कूटर बार बार रिबूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारे एक ओला ग्रुप मेंबर भाई है जिन्हें MOVOS 2.0 का बीटा वर्जन अपडेट मिला है, 8 से 10 दिन पहले मिला है, वो 8-10 दिन से उसे यूज भी कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमें बताया कि उनके जो पहले वाले प्रॉब्लम तो सभी सॉल्व हो गए हैं इस अपडेट के बाद, लेकिन साथ ही में उन्हें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का जो पहले से काम कर रहा था वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि इस अपडेट के बाद रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब पहले जब वो ब्रेक्स लगाते थे, रिवर्स थ्रॉटल देके ब्रेक्स लगाते थे रीजनरेशन के लिए, तो उनका ब्रेक भी लगता था और रीजनरेटिंग भी काम करता था और बैटरी चार्ज होता था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जब वो ब्रेकिंग के लिए रिवर्स थ्रॉटल करते हैं तो उनका ब्रेक भी ठीक से लग नहीं पा रहा है और स्क्रीन पर रीजनरेटिंग होते हुए भी नहीं दिख रहा है। एक माइनर सा इशू उनके अपडेट के बाद उन्हें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक बीटा वर्जन है इसलिए ये प्रॉब्लम्स या बग दिखाई दे रहा है, और जब 18 और 19 तारीख को इसका स्टेबल वर्जन लॉन्च हो जाएगा तो ये बग्स इसमें निकल जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओला रिगार्डिंग हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे कई सारे भाई लोग ओला रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस और ओला रिगार्डिंग अपडेट शेयर करते रहते हैं। आप चाहे तो इन दोनों ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम सब लोग 18th और 19th मई का इंतजार तो कर ही रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, और इसका अपडेट आपको हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से थोड़ी सी बात डिलीवरीज के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का ध्यान MOVOS 2.0 के पब्लिक लॉन्चिंग इवेंट पर लगा पड़ा है, इसलिए डिलीवरीज की तरफ ज्यादा ध्यान किसी का जा नहीं रहा है। डिलीवरीज की बात करें तो इस बार डिलीवरीज थोड़ी सी धीरे से चलती हुई दिख रही है, क्योंकि बीच बीच में एक डेढ़ महीने पहले डिलीवरीज काफी फास्ट हो रही थी। कुछ लोगों को डिलीवरीज तो 8 से 10 दिन में भी मिल रही थी और कुछ कुछ लोगों को तो 24 आवर्स में यानी एक दिन में भी डिलीवरी मिल चुकी थी। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं लगता है, लेकिन मिली थी। लेकिन अभी करंटली डिलीवरीज के लिए लोगों को 1 से 1.5 महीना लग रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ओला का प्रोडक्शन काफी मात्रा में बढ़ चुका है, इसीलिए प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिलीवरी में कोई डिले नहीं हो रहा है। जो थोड़े बहुत लोगों को डिलीवरीज में डिले हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो रहा है, जो कि जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।